सर, जी। मैं कभी भी अगर बैकग्राउंड लगाती हूँ ना तो वो स्क्रीन पे फुल स्क्रीन नहीं होता, इमेज अच्छा छोटा हो जाता है। अच्छा ये समस्या आपके साथ भी होता है। हाँ जी, चलिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी वजह से आप ये कर सकते हैं। वो क्या है? अपने फायरफॉक्स के ब्राउजर में आ जाना है, ठीक है। चाहे आपके पास क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में कोई इमेज लेते हैं, जस्ट लाइक विंडोज लिखते हैं, ठीक है। विंडोज इमेज करते हैं सर, ओके। यहाँ इमेज में आ गए, यहाँ बहुत सारा इमेज है। जैसे कि हमको ये इमेज लगाना है या चाहे ये इमेज लगाना है, तो हम इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सेट इमेज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ओके। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन खुल के आएगा। तो इस पे क्या कर रहा है कि आप अपने स्क्रीन पे किस अकॉर्डिंग से पिक्चर लगाना चाहते हैं, फुल स्क्रीन लगाना चाहते हैं, हाफ लगाना चाहते हैं या छोटा सा। देखिए जैसे सेंटर क्लिक करेंगे तो इमेज क्या हो जाएगा, छोटा सा लग जाएगा हमारे। हाँ, इसी टाइप का हो जाता इसी है। टाइप से ना, अभी देखिए फिर सेकंड लेते हैं ऑप्शन। ये क्या क्लिक करेंगे, एक ही छोटा इमेज को बहुत सारा स्क्रीन लगा सकते हैं, मतलब बहुत भड़के लगा सकते हैं, ओके। और ये मेन जो हमारा बीच में शिफ्ट करेंगे इसको, तो ये पूरा फुल स्क्रीन हमारा लगेगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं फिल का, तो हमारा ये फुल स्क्रीन ये भी हमारा आ गया। फिट करेंगे तो ये साइड साइड में ब्लैक ब्लैक आ जाएगा। अगर ये ब्लैक ब्लैक नहीं लेना चाहते, कलर लेना चाहते, तो यहाँ से भी कोई कलर चूज करके यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं हमारे स्क्रीन में फुल स्क्रीन में ये इमेज लगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लोज करेंगे फाइल। तो हमारा क्या होगा, डेस्कटॉप पे वॉलपेपर लग गया। अरे वाह, थैंक यू, वेलकम।